अपन देख रहे हैं चैप्टर नंबर सेकेंड, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसमें कल अपन ने देखा था कोलाइडल, इसके अलावा विलयन देखा था, निलंबन देख चुके हैं, निलंबन के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। इसके अलावा अपन ने वाष्पीकरण देखा था, दूध से क्रीम को पृथक किस विधि से करते हैं। इसके अलावा लास्ट में देखा था आपके अपकेंद्रण विधि, लास्ट में क्या था आपके अपकेंद्रण विधि, कौन सी विधि थी आपके अपकेंद्रण विधि। तो अपन देखते हैं कि अपकेंद्रण विधि के कौन कौन से उदाहरण है, कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे दूध में से क्रीम निकालना, दूध में से क्रीम निकालते हैं वो अपकेंद्रण विधि से निकालते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कपड़े धोने की मशीन, कपड़ों से मेल, अपकेंद्रण विधि से निकालती है। इसके अलावा जो खून की जांच की जाती है वो भी लिख लो इसको, खून की जांच में इस विधि का उपयोग किया जाता है। खून के साथ मूत्र भी लिख लो, मूत्र की भी जांच होती है, मूत्र और खून की जांच इस विधि से की जाती है। देवी थोड़ी दूर बैठना, नहीं सब की मस्ती होगी, मजा नहीं है, ठीक है सही है। अब देखो ये तो था आपके अपकेंद्रण विधि का उपयोग। अब दे रखा है दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को, दो ऐसे द्रव है जो आपस में घुलनशील नहीं है, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को, पृथक करना। अपन ने दो ऐसे पदार्थ लिए जो आपस में घुलते नहीं है, उनको कैसे कैसे अलग करेंगे, इसके लिए कौन सा प्रयोग करेंगे वो देखते हैं अपन। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई टफ नहीं है, आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा। इसके लिए अपन एक चित्र बना रहे हैं, वो देखो आप लोग मेरे साथ साथ बना लो, ज़्यादा फायदे में रहोगे। तो अपन ने एक ऐसा उपकरण बनाया, ऐसा कीट बनाया आपने, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्टॉप कॉक लगा हुआ है, मतलब आप अपनी इच्छा से इसको क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो और खोल सकते हो, इसको बोलते हैं स्टॉप कॉक, स्टॉप कॉक। ठीक है, ये है आपका पृथककारी की, डाल देंगे। फिर यहां से क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको खोलेंगे,
जल देखो जैसे इसमें डालेंगे तो जल नीचे की तरफ आ जाएगा और मिट्टी का तेल ऊपर की तरफ आ जाएगा, ऊपर एक परत बना लेता है, बनाता है घोल के देख लेना। आज एक बूंद तेल लेना और पानी में घोल लेना, वो ऊपर तैरता है। तो जैसे इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, जो जल है वो धीरे धीरे नीचे आएगा। उसको एक बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे, जैसे जल वाली लेयर खत्म होती है अपन इसको बंद कर देते हैं, तो मिट्टी का तेल क्या हो जाएगा आपका ऊपर रह जाएगा। तो दो अघुलनशील द्रवों को क्या कर सकते हैं, इस विधि से अपन पृथक कर सकते हैं। ये अघुलनशील द्रव थे, अपन को इस विधि से क्या कर सकते हैं, अपन पृथक कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण। कोई कंफ्यूजन है क्या कहीं? बिल्कुल इजी सा है। अब देखते हैं कपूर और जो नमक होता है उसके मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे। इसको बना लो फटाफट, कपूर और नमक के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे। नमक व कपूर के मिश्रण को पृथक करना, कपूर के मिश्रण को, मिश्रण को पृथक करना। आपके पास क्या है, कपूर है और नमक का मिश्रण है, उन दोनों का आप पृथक करोगे। उसके लिए क्या करेंगे अपन, कैसा उपकरण बनाएंगे वो देखते हैं अपन। पृथक्करण अब देखो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ऊर्ध्वपातन पढ़े थे क्या? हाँ, तो इसमें भी वही विधि अपनाई जाएगी। इसमें भी क्या की जाएगी, वही विधि अपनी जाएगी। एक क्या ले लिया अपन, स्टैंड ले लिया, ठीक है, ये आपका स्टैंड है। अब इसको क्या करते हैं, नीचे से सेट कर दिया इसको। यहाँ अपन एक बर्नर लगा दिया, चिमनी जिसको बोलते हो, और यहाँ क्या करेंगे, रुई लगा देंगे, रुई लगा दी आपने, ठीक है। ये क्या है आपकी चीनी मिट्टी की प्याली। अब जैसे इसको गर्म करेंगे ये कपूर और नमक, ये कपूर और नमक क्या हो जाएगा, यहाँ पे धीरे धीरे इकट्ठा होने लग जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इकट्ठा हो जाएगा। कपूर तो क्या होता है, वाष्प सील होता है। कपूर क्या होता है, वाष्प बन के उड़ जाएगा। अपन ने क्या कर रखा, इसको बंद कर रखा है तो बाहर नहीं जाएगा कपूर, कैसा होगा वाष्प सील कपूर। अब देखो इसको समझ लो, अपन ने क्या किया है, कुछ नहीं किया, एक आपका ऐसा उपकरण लगाया जिसके नीचे तो लैंप ही है, आपके बर्नर लगा हुआ है, यहाँ पे एक स्टैंड रख दिया, स्टैंड के ऊपर क्या है, चीनी मिट्टी की प्याली, और उसमें क्या है, नमक और कपूर का विलयन बनाया हुआ, मतलब मिक्स किया हुआ। अब इस पर एक उल्टा की कर देते हैं, की के मुँह पे क्या लगा देते हैं अपन, रुई लगा देते हैं, तो इसमें से जो भी वाष्प निकलेगी वो बाहर नहीं जाएगी। अब जैसे इसको गर्म करते हैं, आप लोग पूजा करते हो देखा होगा, कपूर को जैसे चलाते हो वो उड़ जाता है, तो कपूर को जब गर्म करते और इनको गर्म करेंगे तो क्या होगा, कपूर वाष्प सील है वो उड़ना चालू हो जाएगा, इसकी वजह से वो यहाँ जल जाएगा, ठीक है, और नमक क्या हो जाएगा आपका, यहाँ बच जाएगा। तो ये किस विधि पे कार्य कर रहा है, कपूर और नमक को अलग करना, ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कुछ ठोस पदार्थ, लिख लो इसको, कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, या
परिवर्तित हो जाते हैं। उनमें द्रव अवस्था नहीं आती है। पदार्थ के इस गुण को ऊर्ध्वपातन का गुण कहते हैं। इस विधि से आप क्या कर सकते हो, पदार्थों को पृथक कर सकते हो। कौन से पदार्थ जिनमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, इसके अलावा वे पदार्थ जो क्या करते हैं, सीधे ही ठोस से सीधे किसमें बदल जाते हैं, गैस अवस्था में बदल जाते हैं। तो इसमें कपूर आ जाएगा, नौसादर आ जाएगा। ऊर्ध्वपाती पदार्थों के एग्जाम्पल देखना चाहो तो क्या क्या देख सकते हो, एक तो कपूर लिख सकते हो और दूसरा नौसादर। ये एग्जाम्पल है जिनमें ऊर्ध्वपातन की विधि पाई जाती है। ठीक है, अब अगला देखते हैं आपके अगला क्या है। अगला है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक विधि होती है। क्रोमेटोग्राफी में जैसे पालक में कौन कौन से कलर होते हैं उसको पृथक करने के लिए, इसके अलावा काली शाही है, नीली शाही है, उसमें कौन से कलर होते हैं उनको पृथक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक अपन कांच का बर्तन लेंगे, इसको क्या कर रखा है यहाँ पे सेट कर रखा है। अब क्या करेंगे, इसमें एक लेंगे, एक पेपर लेंगे, उसको इसके अंदर सेट कर देंगे ऐसे। ठीक है, ये इससे टच नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको यहाँ से बांध दिया, उसको ऊपर से क्या कर दिया, पैक कर दिया। ठीक है, इसको यहाँ से बांध के पैक कर दिया। ये है कागज की स्लिप, कागज भी ले सकते हो, कागज की स्लिप। देखो अब जैसे कई बार क्या होता है, आपने क्या किया, जैसे कागज लिया उस पर एक बूंद पड़ जाती है पानी की, तो धीरे धीरे वो पानी पूरे फैल जाता है। ठीक है, या फिर क्या किया, एक शाही की बूंद गिर गई आपकी कॉपी पे, तो वो शाही की बूंद धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है, साइडों में जाती है। तो ये इसी विधि पे आधारित है। ठीक है, कागज की स्लिप ली। अब क्या किया आपने, यहाँ एक शाही का पॉइंट लगा दिया, शाही का पॉइंट लगा दिया, कोई सी भी शाही लगा सकते हो, शाही का बिंदु लगा दिया। क्या किया, शाही का बिंदु लगा दिया। और यहाँ क्या डाल दिया आपने, पानी डाल दिया, इससे टच नहीं होना चाहिए पानी। क्या डाल दिया आपने, पानी डाल दिया, इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी मेथड। ठीक है, इसको ब्लास्ट करो। अब देखो इसमें होता है क्या, वो समझो आप। जो मिश्रण होता है, जैसे आपकी शाही क्या है, जल, या शाही में जो भी केमिकल और रंग का मिश्रण है, शाही में क्या होता है, काली शाही है तो काला रंग, नीली शाही है तो नीला रंग, और क्या होगा, केमिकल होगा। शाही को जिसमें घोल के बना सकते हैं वो कोई भी केमिकल हो सकता है। ठीक है, केमिकल। अब इन दोनों को पृथक करना है, इस कलर को पृथक करना, उसके लिए अपन कौन सी विधि लेते हैं, पेपर या क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या किया अपन ने, एक बर्तन लिया, जार ले लिया, इसमें अपन ने पानी डाल दिया, एक कागज की स्ट्रिप ले ली, कागज का टुकड़ा ले लिया, उसको यहाँ से बांध दिया, इसके क्या किया, काली शाही का एक पॉइंट लगा दिया। ये दोनों टच नहीं कर रहे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, तो ये जो जो ये वाला
इसके टच में नहीं है, इसके बावजूद भी क्या होगा, धीरे 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 पानी आपको ऊपर बढ़ता है, ठीक है, ऊपर बढ़ेगा तो इससे सिद्ध होता है कि जो आपकी काली शाही है किस किस से मिलकर बनी है, सपोज पानी से और किससे बनी हुई है, काले रंग से। तो अपन देखते हैं कि जो काला रंग है उसकी एक अलग परत बन जाएगी, ऐसे लेयर बन जाएगी, या फिर ये पॉइंट है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, पानी के टच में नहीं है फिर भी आगे बढ़ रहा है। तो जो दो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अपन को अलग करना है, या जैसे डाई होती है अलग अलग कलर की डाई होती है, ब्राउन होती है, ब्लैक होती है, तो उसमें से रंग को अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। या फिर जैसे आप इसमें बड़ी क्लासों में देखोगे जो पालक होता है उसको क्रश किया जाता है, पालक को पीसा जाता है, पीस के उसकी एक बूंद यहाँ लगा दी जाती है इस कागज पे, तो धीरे धीरे वो हरा कलर क्या होता है आपका, बढ़ता जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो कलर है या जो डाई है उसमें दो पदार्थ है, एक तो कौन सा है, विलेय, और दूसरा विलायक। तो ये है आपके पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब आप करोगे क्या, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसकी विधि लिखोगे, इसमें कैसे काम किया, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। थैंक यू।